ಜಾನಹು ನೀಗೆ. ಮೋರ ಮನೋರಥ ಜಾನಹು ನೀಕೆ. ಅವ್ರು ಯಹ ಕಿತ್ನಿ ಬಡಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಕಿ ಬಸಹು ಸದಾ ಉರ ಪುರ ಸಬ ಹೀಗೆ, ಯಾನಿ ಸಬಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಬೈಠ ಜಾನಾ ಜಿಸ್ಸೆ ಲೋಗ ರಾಮ ಪೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೆ ಔರ್ ರಾಮ ಕಾ ಸಹಯೋಗ ಕರೆ. ಕೀಣ ಪ್ರಗಟ ನ ಕಾರಣ ತೇಹಿ ಅಸ ಕಹಿ ಚರಣ ಗಹೆ ಬೇದೆ. और जैसे ही जानकी मां ने समर्पण किया, आदिशक्ति ने कह दिया कि सुनती अचात हमारी, सुनती अचात हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, मेरा वरद हस्त है, तेरी मनोकामना पूरी होगी कैसे याद दिला रहे हैं. नारद बचल, नारद बचल तदा तुझी साचा, गोबर मिला हो जाहि मन राचा, शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने वरदान दे दिया है. और स्तुति करते हुए कहा है कि सुन, हो मन जाही राज ही मिला ही तो सोबर सहज सुंदर सावर, मन जाही राच ही मिले ही सोबर सहज सुंदर सावर. जाओ जानकी, आपकी मन में जिसकी इच्छा है वही बर आपको मिलेगा. जानकी जी अपने घर आती हैं. आज राम की दशा कुछ अलग हो गई है. आज राम लक्ष्मण से कहते हैं, अरे लक्ष्मण आज तो मेरे मन की दशा ही विचित्र हो गई है. अरे जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जिन्होंने इतने समय तक गुरु के सानिध्य में रहे उनके अब रंग निराले हैं, और जो नयन लजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले. कहते रे प्रभु यही कहीं नहीं लगाओ. लक्ष्मण जी के कहते रे लक्ष्मण मेरे कानों में वो पायल की गूंज घुघरू की झनकार सुनाई पड़ने लगी है.
प्रेम हो गया है मुझे जानकी से, तो यही कहीं यही कहीं घुंघरू करे झनक, यही कही घुंघरू करे भगवान राम के भी हृदय में लहर सी लगी है। दशा कुछ ऐसी है कि हम दोनों मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, हम दोनों मोहब्बत की बर्फात जज्बात में जलते हैं, वो बर्फ में जलते हैं, हम आग में चलते हैं, वो बर्फ में चलते हैं और हम आग में जलते हैं। सुलझी हुई है जुल्फे पर हम उलझ रहे हैं, बरसात तो नहीं है बादल गरज रहे हैं, मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे। प्रेम हो गया है, कभी भी प्रेम उसी से करना जो आपको प्रेम करता हो, जिसे आप प्रेम करते हो झूठा हो सकता। आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा को गौरी माँ से वरदान मिला है और आज राम लक्ष्मण से कहते रहे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भवरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित होता ये भ्राता है कि दुंदवी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन लजीले रहे सदा वो किसे देखने, नवके मयंक में है न कलंक पर ये निष्कलंक पृथ्वी पर है। जनकपुर में स्वयंवर की तैयारी हुई है। स्वयंवर, स्वयं का अर्थ होता है अपने आप, वर यानी दूल्हा, अपने पति का चयन करना। वहां पर महाराजा जनक ने घोषणा कर दी है कि जिसने भी ये शिव धनुष का भंजन करेगा उसे से जानकी का विवाह होगा। चारों तरफ पत्रिका गई है, तीन तरफ पत्रिका नहीं गई है। पहला अयोध्या में, दूसरा रावण के यहां, तीसरा बाणासुर। महाराज जनक ने सारे राजाओं को समाज को बिठा दिया और बताया कि एक दिन घर की स्वच्छता करते हुए मेरी पुत्री जानकी ने
इस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित किया। अब मेरा ये संकल्प है कि जो इस धनुष का भंजन करेगा, तोड़ देगा, उसी से जानकी का मैं विवाह करूंगा। एक से एक राजा बैठे हैं, हर व्यक्ति अपना कोशिश करता है। किसी से एक तिल भर वो धनुष नहीं हिलता। रावण का आगमन हो जाता है और वो धनुष उठाने के लिए चल भी पड़ता है। जैसे ही दशकंदर धनुष को छूने के लिए जाता है, आकाशवाणी होती है, ओ दशकंदर, अरे ओ दशकंदर, यहां तू धनुष तोड़ रहा है, वहां तेरी सोने की लंका जल के खाक हो जा रही है। क्यों? क्योंकि अंश पुत्री भी एक जगह छेपक में जानकी को कहा गया है रावण की। रावण को एक वरदान था कि जब भी वो अट्टहास करके गर्जन करता था, गर्भवती महिला का गर्भपात हो जाता था। और मंदोदरी को इस पर विश्वास नहीं था। मंदोदरी ने कहा, दशकंदर, मैं तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करना चाहती हूं। 99% पत्नी पति के हर बात पर भरोसा कर सकती है, पर 1% तो दिमाग में चला रहेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, जब तक प्रत्यक्ष प्रमाणित तो होकर ना देख लो। दशकंदर ने अट्टहास का गर्जन किया था, मंदोदरी उस समय गर्भवती थी, 8 महीने का बच्चा गर्भ में था, गर्भपात हुआ। और उसी को जो सप्त ऋषियों का कर रक्त वसूल कर रखता था दशकंदर, उसमें डाल दिया उस मल को। और आकाशवाणी हुई, अरे दशकंदर, सूर्योदय के बाद ये मटका जिस देश में रहेगा वहां अकाल हो जाएगा, बरसात नहीं होगी। उसे लेकर दशकंदर चला। सूर्य उगने तक दशकंदर जनकपुर में प्रवेश कर गया था और वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दिया। जनकपुर में अकाल पड़ गया था। जब कभी अकाल हो या कोई संकट आए तो हम लोग हरि का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश नहीं होती तो कोई भंडारा करता, कोई दान करता, कोई यज्ञ करता, हर तरीके की व्यवस्थाएं होती रहती हैं। वहां पर ये व्यवस्था की गई कि अगर राजा और रानी हल चलाएंगे तो बरसात होगी। उसी हल चलाते समय वही मटका जो रावण दबा कर आया था, हल के फाल में लगा और उसी का लाकर पालन पोषण किया, जिसका नाम जानकी रखा गया है। महाराज, 7 मास जीवे ना कोए, 8 मास अठवासा होए, और जिंदा रहे तो राजा होए। 7 महीने के गर्भ का बच्चा जल्दी जिंदा नहीं होता, 8 महीने का अठवासा में गिना जाता, और अगर ये जिंदा रहे तो राजा ही होते, ही नहीं कोई रोक ही नहीं सके। अगर दशकंदर ये धनुष तोड़ देता तो सब कुछ खत्म हो जाता। बाणासुर का आगमन हुआ, उसने शिव का धनुष मान करके उसे छुआ नहीं। अब इधर जनकपुर की सखियां आरी लाली, अरी बहना, इतने बड़े बड़े राजाओं से जब ये धनुष नहीं टूटा तो ये छोटे छोटे से सुकुमार कैसे तोड़ पाएंगे? जानकी, तूने तो इन्हें अपना वर मान लिया है, स्वीकार है, लेकिन उसमें एक शर्त है
कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से आपका विवाह होगा। जब इतने बड़े बड़े बलशाली इसे हिला नहीं सकते थे तो ये छोटे छोटे कैसे तोड़ेंगे। कहे चुप रहो, आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो आदि शक्ति से स्मरण करो, भजन करो, वही आकर के मेरे सारे कार्य को पूरा करेगी और मुझे आदि शक्ति के दिए हुए वरदान पर भरोसा है।